नमस्कार, इंसाफ टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। वातावरण की शुद्धि लई खत्री सभा गुरदासपुर वालों जिला गुरदासपुर अंदर हवन यज्ञ यात्रा कढ़ी गई, जिस विच मुख मेहमान वजो SS बोर्ड पंजाब के चेयरमैन रमन बहल शामिल होए, जिन्होंने खत्री भवन गुरदासपुर तो वाहनों को हरी झंडी दे के रवाना किया। इस मौके पर खत्री सभा गुरदासपुर के समूह अहुदेदार भी उपस्थित सन, जिन्होंने हवन यज्ञ की यात्रा राही मिलजुल के कोरोना महामारी के खिलाफ लड़न का संदेश दिता और वातावरण शुद्ध रखने का संदेश दिता। अपनी यात्रा के आखिर में जरूरतमंद परिवारों को 21 जरूरतमंद परिवारों को राशन वंडिया गया। उत्थे इस मौके पर बोलदिया SS बोर्ड पंजाब के चेयरमैन रमन बहल ने कहा कि पर्यावरण की शुद्धि लई हवन यज्ञ यात्रा का आयोजन किया गया, जिस विच सारे ही खत्री सभा के अहुदेदारा ने भाग लिया है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में संदेश दिता गया है कि जिस विच एकजुट होकर महामारी के खिलाफ लड़िया जाए, ताकि इस महामारी को देश विचों खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह यात्रा गुरदासपुर के खत्री सभा तो शुरू होकर शहर के चारों पासों तो होती हुई फिर खत्री सभा में समाप्त हुई है। इस यात्रा के दौरान हवन करते हुए उन्होंने कहा कि जाप किया गया कि वातावरण शुद्ध किया जा सके, लोगों सुनेहा दिता गया कि वातावरण की शुद्धि लिए उपराले किए जाए। उत्थे उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब कोरोना महामारी को खत्म करने हर उपराले कर रहे हैं और हर संभव सहायता लोगों तक पहुँचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खत्री सभा का पंजाब लैवल से गठन करने मुख्यमंत्री पंजाब अगे मुद्दा रखा गया है, जिसकी शुरुआत गुरदासपुर तो कर दी गई है, ताकि लोग श्रद्धा भावना नाल सेवा कर सकन। बहल साहब, आज दे प्रोग्राम बारे की कहना तुहाडा? अज खत्री सभा गुरदासपुर जिन्होंने सारे ही अहम रुकन सामने खड़े हैं, इन्हों वालों बहुत वधिया उपराला किया गया, पर्यावरण शुद्धि यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये अज जी कोरोना महामारी है बड़ी तेजी के नाल बढ़ रही है, ये हम शहर तक सीमित ना रह के पिंड तक भी पहुँच रही है। इसलिए खिलाफ एकजुट होने और लोगों को जागरूक करने ये यात्रा का आयोजन किया जा रहा। ये सा मेन मकसद ये आ भी कही जा रहा कि जी वायरस आ किसी वक्त एनवायरमेंट के हवा के उस प्राचीन सभ्याचार सामने रखते हुए अज ये सारे असी इकट्ठे हो के यात्रा जी है शहर के वक् वक् हिस्से जाऊगी और ये असी हवन कुंड नाल लैके समगरी पा के और उस मंत्र का गायत्री मंत्र का बाकी उच्चारण करते हुए ये असी शहर से जावांगे। ये जिते एक वातावरण जो शुद्धता आएगी उत्थे लोगों भी प्रेरणा मिलेगी कि वह भी अपने घर अपने मोहल्लिया अपने इलाकों के जोड़े हवन ने वो करन, ताकि जो सा वातावरण है वो शुद्ध हो सके। अज मैं एक गल कहूँगा कि खत्री सभा जो हमेशा उपराले लोग सेवा वाल समर्पित रहे हैं और अज कैप्टन अमरिंदर सिंह जो साढ़े पंजाब के मुख्यमंत्री ने उन्हों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि पंजाब की जी बड़ी पुराने डिमांड सी कि खत्री रोड़ा बोर्ड जरा वो बनाया जाए, अज वो गठन जरा वो किया गया पंजाब लैवल से। और मैं महसूस करना इस बोर्ड के बनने नाल लोगों की सेवा भी वधेरे मौके जोड़े ने आने और खासकर जोड़े साढ़े सारे ही ऑफिस बेयर ने कोहली साहब खड़े ने, प्रदीप जी एडवोकेट साहब आए हैं, नरेंद्र मल्होत्रा जी ने, सारे साथी ऐसे ने जोड़े हमेशा ही लोगों की सेवा वाल समर्पित ने। और अभी शुक्रगुजार हाँ भारत विकास परिषद का भी जिन्होंने अज इस यात्रा रिसीव करने वास्ते भी प्रबंध किए हैं। तो समझना भी साडा सारिआं दा इक्को ही मकसद है कि अज जी कोरोना महामारी है वो खिलाफ़ एकजुट होकर लड़िया जाए और इस बीमारी पर जित प्राप्त की जाए, ताकि लोग अपन जिंदगी जड़ियाँ ने सुखरियाँ कर सकन। अज समाज एक मुश्किल घड़ी के विचों निकल रहा और हर इंसान इस जी बीमारी आदा शिकार हो रहा, इस चीज़ को बचने वास्ते जो भी उपराले जरूरी ने वो सानू सारे करने चाहिए। सर, कैप्टन अमरिंदर सिंह कोरोना वायरस के उपर बड़ी जद्दोजहद नाल काम कर रहे, की कहना चाहोगे? बिल्कुल ठीक है, तुम्हें देखा कि पंजाब सूबा एक वह सूबा वै जिथे
कोविड 19 की मैनेजमेंट बहुत वधिया रही है और तुसी हैरान होवोगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कोशिश की आ कि जे मैनू सेंटर के उपर किसी हालत के वैक्सीन नहीं आती वो कोशिश कर रहे हैं कि ग्लोबल लैवल से भी कोई टेंडर ला के अभी वैक्सीन लै सके क्योंकि वैक्सीन ही एक यदा उपाय है और सानू सारे चाहिए भी लोगों को जागरूक करिए और जी वैक्सीन है वो वो तो वो अभी अपनाइए। मेरी सभा वालों एक बहुत वधिया उपराला किया जा रहा है जिस चीज़ की सब तो ज़्यादा जरूरत थी उस चीज़ को पूरा किया जा रहा है और ये कोई छोटा काम नहीं कि आज एनवायरमेंट जिहड़ा वा बिल्कुल दूषित हो चुका है पर्यावरण जिहड़ा बिल्कुल तबाह हो चुका है और उन्हें रिवाइव करने वास्ते एक सारे शहर च हवन कुंड फेरे जा रहे हैं गायत्री मंत्र का पाठ किया जा रहा है। यह बहुत ही वधिया उपराला और मैं इस वास्ते इहदे वास्ते अपने कोहली साहब नूं बहुत बहुत मुबारक दिना कोहली जी नूं ललित गंडोदरा जी नूं बहुत बहुत मुबारक दिना कि उन्होंने एक बहुत वधिया उपराला किया और ज़्यादा ना कहता हो मैं एक बार फिर इन्हों मुबारकबाद देना कि जिहड़ी एक समय की मंग है उन्हों पूरा करते हुए इन्होंने एक काम किया। जिहड़ा अज का प्रोग्राम किया गया है वातावरण शुद्धि वास्ते किया गया कोरोना महामारी का बहुत प्रकोप चल रहा है बहुत इन लोगों को अवेयर करने वास्ते भी सारे जने इस तरह हर घर में जिस तरह अज खत्री सभा गुरदासपुर वालों हवन जाग किया जा रहा है कि सारे परिवार अपने घर एक हर परिवार एक हवन जाग हर परिवार करे और वातावरण को शुद्धि करे तो सारे सुख शांति वास्ते किया गया। समाप्त के बाद असी विंडो नू राशन वितरित कर रहे हैं तो उसके बाद 80वां राशन वितरण समारोह जिहड़ा और रमन जी के हत्थी किया जाएगा शोभा यात्रा समाप्ति बाद इतने ही आके शोभा यात्रा समाप्त होगी उस राशन वितरण किया जाएगा। गुरु प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ भी इन्होंने सानू प्रोटेक्शन दी है और सानू मंजूरी दी है अज की ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जिहड़ा अज का समागम हैगा ये मानयोग कप्तान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भलाई बोर्ड साडा खत्री अरोड़ा डिवेलपमेंट बोर्ड पंजाब लैवल का सानू बना के दिता और असी उन्होंने उन्हों का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। अज खत्री सभा वालों एक मता पास करके रमन बैल जी द्वारा कप्तान साहब को भेजा जा रहा तो यात्रा नू कामयाब करने वास्ते मालक अगे दुआ करते हैं सच्चे पातशाह इस नू कामयाब करे तो समाप्ति के उत्ते असी राशन जिहड़े परिवार अडाप्ट किए हुए ने अज 80वां राशन समारोह है वितरण करन दा वो भैणां साडे कोल आ के बैठियां उन्हां नू असी बाद दे विच राशन दे के भेज दी समाप्ति।